तो फार्मेसी लॉ इथिक्स में टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बीसीएस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। तो कई टॉपिक्स हैं इसके अंदर में, इंडिविजुअल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका सेपरेट वीडियो। जैसे देखो, इंट्रोडक्शन टू बीसीएस सिस्टम क्लासिफिकेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस कितने टाइप के होते हैं, किस फेज का क्या काम होता है, क्यों बनाए गए हैं, इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी बात कर रखी। आज हम लोग बात करेंगे ANDA के बारे में। ANDA मींस एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन फुल फॉर्म। अक्सर देखो क्या, एग्जाम में जो एब्रीविएटेड टर्म्स हैं, एब्रीविएशंस हैं, इनके फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार शॉर्ट नोट ऑन ANDA, शॉर्ट नोट ऑन NDA, शॉर्ट नोट ऑन न्यू ड्रग डेवलपमेंट मीन्स ऐसे करके दे देते हैं, और अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो फिर थोड़ी सी समस्या हो जाती है, है ना। तो ANDA कहीं भी आ जाए, इट मीन्स क्या है, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो क्या होता है भाई, पहले तो ब्रीफ एक आइडिया ले लो। देखो यूजुअली होता क्या है, कोई भी देखो कई सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जो मैं बस समझाने जा रहा हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड, है ना। इसमें और भी टॉपिक्स हैं जो कवर्ड हो जाएंगे, तो ये बार बार ना दोहराना पड़े, एक बार ब्रीफ कर देता हूँ मैं। कोई भी नई ड्रग सपोज करो आपको बनानी है, कोई भी XYZ, क्या करोगे, नई ड्रग का पहले फॉर्मूला बनाओगे, है ना, लेबोरेटरी वर्क चालू करोगे, लेबोरेटरी वर्क में क्या करोगे, उसको फॉर्मुलेट करोगे, मीन्स फॉर्मुलेशन करोगे, है ना। फॉर्मूला जब बन गया कि किस तरीके से बनेगा, प्रोसीजर डिजाइन करोगे, फिर वो ड्रग बनाओगे लैब में। अगर वो ड्रग लैब में सक्सेसफुली सारा का सारा डेटा मैच हो जाता है लेबोरेटरी लेवल पे, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स या प्री क्लिनिकल स्टडी, है ना। क्लिनिकल ट्रायल के पहले प्री क्लिनिकल मीन्स क्लिनिकल ट्रायल तो ह्यूमन बींग्स में हो गया, और प्री क्लिनिकल किस पे, एनिमल्स पे हो गया, राइट। डिफरेंस क्लियर हो गया कि प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल क्या है। क्लिनिकल ट्रायल्स हम ह्यूमन बींग्स पे करते हैं और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हम एनिमल्स पे करते हैं, ठीक है। तो प्री क्लिनिकल में ही आपका लेबोरेटरी टेस्टिंग प्लस एनिमल टेस्टिंग दोनों आ जाएगा प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो अब प्री क्लिनिकल ह्यूमन एनिमल्स पे जब वो दवा दी जाती है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका एक्सपेरिमेंट पास हो जाए, कई बार होता है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, तो फिर से नए सिरे से फिर से फॉर्मूले में चेक करो कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, फिर नया फॉर्मूला जनरेट करो उसको करेक्ट करके, फिर मॉलिक्यूल बनाओ लैब लेवल पे, और फिर से प्री क्लिनिकल स्टडी यानी एनिमल्स पे फिर से स्टडी। बहुत सारे एनिमल्स हैं जिन जो सेक्रीफाइस हो जाते हैं एक दवा के बनने में, और बहुत लंबा चौड़ा टाइम चलता है, सालों तक प्री क्लिनिकल स्टडीज चलती रहती हैं। जब एकदम सेटिस्फैक्ट्री डेटा मिल जाता है कि हाँ ये एनिमल्स पे वर्क कर रहा है, उसके बाद हम कोशिश करते हैं फिर क्लिनिकल ट्रायल्स पे आते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में हमने फेज 0 से लेकर फेज 4 तक की बात करी थी, समझा दिया था किस फेज में क्या किया जाता है, राइट। अब सोचो सारे फेजेस अप टू क्लिनिकल ट्रायल का फेज 4 तक हम कंप्लीट कर लेते हैं, अगर इस पे भी डेटा सब कुछ फिट हो जाता है, तो इस प्री क्लिनिकल से लेके क्लिनिकल ट्रायल्स के बीच में मीन्स कंपनियों का न जाने कितने करोड़ रुपए लग जाता है, 1-2 करोड़ नहीं, न जाने कितने करोड़। ये डिपेंड करता है कौन सा मॉलिक्यूल बनाया जा रहा है, कौन से केमिकल से बनाया जा रहा है, उस केमिकल की कॉस्ट कितनी है, है ना। कई बार अरबों रुपए लग जाते हैं इतने महंगे महंगे ड्रग्स, इतनी महंगी महंगी ट्रायल्स किए जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, आपने लैब में बनाया, जरूरी थोड़ी एनिमल पे सक्सेस हो जाए, और जो एनिमल पे सक्सेस हो गया, जरूरी थोड़ी वो ह्यूमन बींग्स में उसी तरीके से उसकी एक्टिविटी हो। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अब जब सिर्फ डिसाइड हो जाता है, सब डेटा ठीक हो गया, क्लिनिकल ट्रायल हो गया, फिर उस ड्रग को अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। अप्रूवल के साथ साथ बनाने वाली कंपनी को पेटेंट मिल जाता है। अब पेटेंट सपोज करो 5 साल के लिए मिल गया, तो अब 5 साल इस दवा को पूरे देश में कोई भी कंपनी नहीं बना सकती इस फॉर्मूले से, जिस तरीके से इन्होंने बनाया है, राइट। अब जैसे 5 साल पूरे हो गए, अब सभी मान लिया कोई बहुत फायदा कमा रहा है, तो बाकी की कंपनियां भी उनकी भी जबान लुब 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 करेगी, है ना, कि भाई जल्दी से हमने क्यों नहीं बनाया। उनको भी मौका मिलेगा, कैसे मिलेगा, जब पेटेंट 5 साल का मिला और 5 साल बाद वो पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, पेटेंट
पांच साल बाद जब एक्सपायर हो जाता है तो एक्सपायर होने के साथ साथ बाकी कंपनियां भी ट्रैक करती रहती हैं, और वैसे ही जैसे ही एक्सपायर हुआ उसके पहले ही बाकी की जो कंपनियां उस मॉलिक्यूल को, उस ड्रग को बनाने में इंटरेस्टेड हैं, वो फाइल कर देती हैं ANDA, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, फाइल कर देती। साथ ही साथ पुरानी कंपनी भी फाइल कर देती है अपना एप्लीकेशन फॉर व्हाट, फॉर पेटेंट, मींस पेटेंट एक्सटेंशन के लिए, कि 5 साल के लिए हमको पेटेंट और मिल जाए। दो चीजें क्लियर हुई। पहली चीज, पेटेंट ड्रग में क्या है, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल दोनों स्टडीज की जाएंगी, क्लियर। अब जो दूसरी बाकी, जब पेटेंट एक्सपायर हो गया तो जो दूसरी कंपनियां हैं वो बनाना चाह रही हैं, तो कौन सा बनाएंगी भाई, उन्होंने रिसर्च तो करी नहीं, तो वो बनाएंगी जेनेरिक ड्रग्स। तो एक फंडा ये क्लियर हो गया कि ANDA किसके लिए है, ANDA है जेनेरिक ड्रग्स के लिए। फॉर व्हाट, फॉर जेनेरिक ड्रग्स। किसी भी बंदे को, किसी भी कंपनी ओनर को अगर जेनेरिक ड्रग्स बनानी है तो उसको ANDA यानी एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको फाइल करके अप्रूवल लेना पड़ेगा। ANDA फाइल करने में किसी भी तरह के प्री क्लिनिकल स्टडी की जरूरत नहीं है, प्री क्लिनिकल स्टडी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है, इसका डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, किसी कंपनी ने बाकायदे इसका पेटेंट लेके रखा था, ऑलरेडी मार्केट में दवा चल रही है। अब हमें जेनेरिक बनानी है तो हमें फाइल करनी पड़ेगी ANDA। तो कुल मिला के ANDA का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यही क्लियर हो जाता है आपको, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ब्रांड और जेनेरिक। ब्रांडेड में प्री क्लिनिकल स्टडी होती, जेनेरिक में नहीं होती, राइट। चलो भाई, अब जैसे जैसे हम चैप्टर को पढ़ेंगे, जो मैंने अभी आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई, इसके काफी सारे ट्रेसेस आपको आगे के टॉपिक्स में मिलते जाएंगे। द टर्म ANDA स्टैंड्स एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन बिकॉज दे जनरली नीड्स नॉट इंक्लूड द प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल डेटा टू एस्टेब्लिश सेफ्टी एंड एफिकेसी, क्लियर। मींस ANDA अप्लाई करने के लिए हमें किसी भी क्लिनिकल या प्री क्लिनिकल डेटा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी उसके प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म हो चुके हैं, और वहां से वहां पे हमको पूरी तरीके से कंफर्म है कि ड्रग सेफ भी है और इफेक्टिव भी है, है ना। फेज वन फेज टू में हमने सेफ और इफिकेसी दोनों देख ली थी ड्रग की। इट कंप्राइज इंफॉर्मेशन व्हेन सबमिटेड FDA। अब ये क्या करेंगे, जिस बंदे को बनाना है वो ANDA का फॉर्म लेगा, ANDA का फॉर्म फिल करके इसका अप्रूवल कौन देगा, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA के सेंटर्स। FDA के सेंटर्स किस लिए, वो क्या करेंगे, ड्रग का जो डेटा आपने दिया है, ड्रग इवेलुएशन एंड रिसर्च, ड्रग जिसको बोलते हैं CDER, ये क्या रेगुलेटरी कंपनीज हैं जो इवेलुएट करती हैं डेटा जो आपने प्रोवाइड किया है। ऑफिस ऑफ द जेनेरिक ड्रग यानी कि OGD, ऑफिस ऑफ जेनेरिक ड्रग्स, है ना, अलाउ द जेनेरिक ड्रग एग्जामिनेशन फाइनल अप्रूवल। तो OGD, ऑफिस ऑफ जेनेरिक ड्रग से आपको फाइनल अप्रूवल मिलता है कि अब आप जेनेरिक मेडिसिन बना सकते हो। एक बार बंदे को अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद, यानी वंस अप्रूव्ड, अप्रूवल मिल गया, अब वो बंदा क्या कर सकता है, एन एप्लीकेंट कैन मैन्युफैक्चर एंड मार्केट द जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट। जैसे ही उसको अप्रूवल मिल जाता है अब वो अपनी कंपनी में जेनेरिक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, जेनेरिक ड्रग की मार्केटिंग पूरी तरीके से कर सकता है। प्रोवाइड प्रोडक्ट, प्रोवाइड द सेफ, अच्छा जो जेनेरिक ड्रग्स होती हैं सेफ होंगी, क्यों, क्योंकि हमारी पेटेंट ऑलरेडी हो चुकी। भाई जब ये ब्रांडेड थी तब भी तो यही थी, ये अब सस्ती क्यों हो गई, भाई जेनेरिक दवाएं सस्ती क्यों होती हैं, बेसिकली इसलिए क्योंकि जेनेरिक दवाओं को बनाने के लिए प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किए गए। मीन्स जो करोड़ों रुपए खर्चा होता है वो करोड़ों नहीं खर्चा हुआ, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, तो जब खर्चा नहीं हुआ तो इसीलिए दवा की कीमत कम हो जाती है। ब्रांडेड महंगी क्यों होती है, क्योंकि जिस आदमी ने करोड़ों रुपए खर्चा करके उस दवा को बनाया है वो आदमी प्रॉफिट भी तो लेगा, तो सारी चीजों को मिला के ही तो उसका MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस डिसाइड किया जाता है। अब जेनेरिक दवा में मार्केटिंग रिटेल प्राइस कहां से डिसाइड करो, कुछ उसका प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल तो हुआ ही नहीं है, तो वहां पर करोड़ों अरबों रुपए जो खर्चा होते हैं वो बच जाते हैं, इसीलिए जेनेरिक ड्रग्स की दवाएं सस्ती होती हैं, है ना। लो कॉस्ट इफेक्टिव मींस बहुत महंगी नहीं होती,
लो कॉस्ट अल्टरनेटिव टू पब्लिक। अगर किसी को कोई ब्रांडेड दवा महंगी लगती है पब्लिक में, तो वो जेनरिक दवा की तरफ जा सकता है। सेम एंटाइटल्ड होते हैं, सेम इंग्रेडिएंट होते हैं, सेम एक्सीपिएंट होते हैं, ओके। ऑल अप्रूव्ड प्रोडक्ट बोथ इनोवेटर एंड जेनरिक आर लिस्टेड इन FDA अप्रूव्ड ड्रग प्रोड्यूस थेरेपेटिक इक्विवेलेंस इन ऑरेंज बुक। इनोवेटर मतलब जो ब्रांडेड दवा है, जो नई ड्रग है, जो नई ड्रग मार्केट में आई है, वो कैसी है? ब्रांडेड है। तो चाहे ब्रांडेड ड्रग हो और चाहे जेनरिक ड्रग हो, राइट, चाहे ब्रांडेड हो चाहे जेनरिक ड्रग हो, दोनों बाकायदे FDA अप्रूव्ड ड्रग होती हैं, तभी मार्केट में जा सकती हैं। अप्रूव्ड ब्रांडेड को भी FDA करता है और जेनरिक को भी करता है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं सेम थेरेपेटिक इक्विवेलेंस। और ये डिटेल होती है कहाँ पे? एक ऑरेंज बुक में। किसमें? FDA के पास एक होती है ऑरेंज कलर की बुक। जैसे पहले की पिक्चरों में देखा करते थे ना कि एक रेड बुक होती थी, रेड कलर की डायरी है विलेंस के पास या विलेन के सरदार के पास, जिसमें सारे विलेन की जानकारी होती। वैसे ही FDA के पास एक ऑरेंज कलर की बुक होती है। तो ऑरेंज कलर की बुक में सारी जानकारी होती है, कैसी? चाहे वो ब्रांडेड दवा हो और चाहे वो जेनरिक दवा हो, राइट। एट द सेम टाइम, अब उसी समय जिस वक्त किसी कंपनी ओनर ने एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल किया है, उसी समय ब्रांडेड नेम फॉर्म्स, जिस दवा ने, जिस ओनर ने उस दवा को ब्रांडेड मींस पेटेंट लिया था, वो क्या करेगा? उसकी कोशिश होगी रिक्वेस्ट फॉर अप टू 5 years मोर पेटेंट प्रोटेक्शन। मींस उसकी कोशिश रहेगी हमें फिर से पेटेंट मिल जाए कि हम 5 साल तक ये दवा कोई और ना बना पाए। मींस बचा खुचा भी सारा प्रॉफिट सब बटोर लो, है ना। न्यू मेडिकेशन दे प्रोड्यूस द कंपनसेट टाइम लो व्हाइल दे प्रोड्यूस वर बीइंग अप्रूव्ड बाय FDA। तो जो जिसने रिसर्च करवाई उसको 5 साल का पेटेंट मिला, खूब प्रॉफिट उसने कमा लिया, उसको मालूम है कि इसमें अभी और भी जान बाकी है, तो वो क्या कोशिश करेगा कि इसको अगर हमें पेटेंट और 5 साल के लिए मिल जाए तो हम वापस से अरबपति करोड़पति बन जाएं, राइट। लेकिन 5 साल के बाद बाकी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जिसका डेटा ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड होता है उसको अप्रूवल मिल जाता है। इसी तरीके से जेनरिक ड्रग्स बनती है ना, जो भी जेनरिक ड्रग्स हैं वो पहले, ये जो फार्मूले, जिस फार्मूला या जिस प्रोसीजर से बनी है वो पहले ब्रांडेड रही हैं, राइट। उसके बाद जब उनका पेटेंट खत्म हो गया तब वो जेनरिक के फॉर्म में आई हैं, ठीक है। बेसिक जेनरिक ड्रग रिक्वायरमेंट, किस लिए जेनरिक ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है? देखो, पहली चीज तो सेम इंग्रेडिएंट होता है, चाहे ब्रांडेड हो और चाहे जेनरिक हो। सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टैबलेट उसने बनाई, टैबलेट उसने बनाई, तो सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सेम डोजेस फॉर्म होगा, स्ट्रेंथ भी सेम होगी, कंडीशन भी सेम होगी। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट ऑलरेडी, जो एक्सीपिएंट हैं ऑलरेडी न्यू ड्रग एप्लीकेशन में क्या होते हैं? अप्रूव्ड हो जाते हैं बाय द FDA, FDA के थ्रू वो अप्रूव हो जाते हैं। एक्सीपिएंट मींस एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ साथ जो एक्सीपिएंट हैं उनका भी अप्रूवल जरूरी होता है। गोल, बेसिक गोल क्या है, क्यों हम ANDA फाइल करते? ताकि पब्लिक को, आम आदमी को कम प्राइस पे दवा मिल सके, ठीक, जिसके ड्रग के डेवलपमेंट का टाइम कम लगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम नई ब्रांडेड दवा बनाने जाते हैं तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में 3-4 साल लग गए, क्लिनिकल ट्रायल्स में 3-4 साल लग गए, मींस 5-6 साल तो मिनिमम लग जाते हैं एक नई ड्रग के आने में। लेकिन जब पेटेंट खत्म होता है तो, यानी हम जब जेनरिक उसको कर लेते हैं, जनरलाइज्ड पब्लिक बना सकती है, तो उसके डेवलपमेंट में टाइम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल स्टडी तो करनी ही नहीं है। इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग कंपैरिजन टू रेफरेंस लिस्ट ड्रग। अब जब हमको पेटेंट ड्रग पता है तो फिर जेनरिक में हम थोड़े से मॉडिफिकेशन, जिससे उसकी बायो अवेलेबिलिटी मींस हमारे ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब होकर ड्रग जल्दी पहुंच जाए, जिससे सेल्स तक सेलुलर अपटेक ज्यादा बढ़ जाए, सेल का मेटाबोलिज्म और एक्सक्रीशन ड्रग का ज्यादा तेजी से हो सके, ताकि ज्यादा फायदेमंद हो। अब रिव्यूअर ऑफ द जेनरिक ड्रग एप्लीकेशन FDA 356, FDA के सेक्शन 356 के अकॉर्डिंग इनका मेन जो फोकस होता है जेनरिक ड्रग के लिए जो एप्लीकेशन आया है उसको रिव्यू करने में, तो वो क्या देखते हैं? पहले तो देखते हैं बायो इक्विवेलेंस डेटा, किसका? ब्रांडेड और जेनरिक का सेम है कि नहीं। केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजिकल डेटा का टैली किया जाता है। फैक्ट्री इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, जिस फैक्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में उसको बनाना है
उस फैक्ट्री का बाकायदे इंस्पेक्शन करना होगा, ड्रग लेबलिंग इंफॉर्मेशन, ड्रग के लेबल पर इंडिकेशन, हिंट, इंग्रेडिएंट वगैरह की जानकारी देनी होगी, है ना। ये सारी चीजें फाइल करनी पड़ती हैं रिव्यू, तब जाके रिव्यूअर क्या है किसी डिसीजन पे पहुंच पाता है कि इस बंदे को हमें जेनरिक ड्रग बनाने की परमिशन देनी चाहिए कि नहीं। प्रोसीजर क्या होता है भाई एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन के अप्रूवल के लिए? देखो द स्पॉन्सर शैल अप्लाई ANDA टू FDA अंडर सेक्शन 505। जो स्पॉन्सर है मीन्स जो फैक्ट्री का ओनर है, जो ड्रग का ओनर है जिसको जेनरिक ड्रग बनानी है, वो न्यू ड्रग एप्लीकेशन एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन का फॉर्म फाइल करता है। किसको फाइल करता है? FDA को, अंडर द सेक्शन ऑफ 505। याद रहे 356 में क्या था? रिव्यू किया जाता है, लेकिन फाइलिंग के लिए सेक्शन 505 ऑफ FDA। रेगुलेटरी टीम क्या करती है? रिव्यू करती है जो एप्लीकेशन आपने फाइल किया। अगर उसको सफिशिएंट डेटा मिल जाता है तो फिर वो उसको अप्रूव कर देते हैं। एक्सेप्टेंस, रिफ्यूज और रिफ्यूज टू रिसीव लेटर इशूड बेस्ड ऑन द कंप्लीटनेस एब्रीविएटेड ड्यू टू एप्लीकेशन। अब या तो जो एक्सेप्टेंस है आपके ANDA का या तो रिसीव किया जाएगा या रिफ्यूज किया जाएगा, यानी या तो अप्रूव कर दिया जाएगा या कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से फाइलिंग करी है, किस तरीके से फाइलिंग की, सही डेटा लगाया है, सही तरीके से सही कॉलम्स को भरा है, तब तो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज वो रिफ्यूज हो जाएगा। इफ ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड एप्लीकेंट इज एक्सेप्टेबल बाई OGD और CDER इशू द मार्केट अप्रूवल। अगर सब कुछ ठीक है तो OGD और CDER ये दोनों क्या करेंगे, ये रेगुलेटरी एजेंसीज, रेगुलेटरी ऑफिस, ये क्या करेंगे, ये अप्रूव कर देंगे कि अब आप अपनी जो भी ड्रग है, जेनरिक ड्रग है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके आप मार्केटिंग इसकी स्टार्ट कर सकते हो। ANDA सर्टिफिकेशन के कुछ क्लॉज हैं जो चार पैराग्राफ में है। पहले पैराग्राफ में क्या दिया हुआ, पहले पैराग्राफ में दिया है रिक्वायर्ड पेटेंट इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन फिल्ड। अगर जो पेटेंट लिया गया पहले है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं फिल किया गया है, ठीक है, मे नॉट बीन फिल्ड, FDA में अप्रूव जेनरिक इमीडिएटली, वन और मोर एप्लीकेंट मे इंटर। तो इस कंडीशन में FDA भाई एक दवा को, एक जो पेटेंट जिसका एक्सपायर हुआ है उस दवा की जेनरिक दवा बनाने के लिए, एक ने थोड़ी, न जाने कितने सारे लोगों ने एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन का फॉर्म फाइल कर रखा है। तो अगर आपने कोई डिटेल मिस कर दी तो दूसरे को अप्रूवल मिल सकता है। पेटेंट पैराग्राफ टू में बात की गई पेटेंट एक्सपायर होने की। FDA में अप्रूव्ड जेनरिक इमीडिएटली, वन और मोर एप्लीकेंट मे बी इंटर। पेटेंट जब एक्सपायर हो जाता है उसी वक्त ANDA का अगर सारा डेटा ठीक है तो एक या एक से ज्यादा एप्लीकेंट जिसने ANDA एप्लीकेशन फाइल किया है जेनरिक दवा बनाने के लिए, उसका एप्लीकेशन को अप्रूवल मिल जाता है जैसे ही पेटेंट एक्सपायर होता है। फिर पैराग्राफ नंबर थर्ड क्या बोलता है, पेटेंट नॉट एक्सपायर्ड विल बी एक्सपायर्ड ऑन स्पेसिफिक डेट। अब माना कि किसी ड्रग का पेटेंट जिसने लिया है वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन ये मालूम है कि हाँ भाई महीने की 25 तारीख को, इस महीने की 25 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा, तो जो होशियार लोग होते हैं वो पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, वो पहले ही अपना ANDA एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। FDA में अप्रूव्ड ANDA इफेक्टिव ऑन डेट एक्सपायरेशन, वन मोर एप्लीकेंट में भी इंटर। तो FDA क्या करता है, जिस डेट को पहले ही आपके एप्लीकेशन का अगर डेटा सही है तो वह अप्रूव्ड करता है, और जिस डेट को पेटेंट एक्सपायर हो रहा है यानी 25 तारीख को, उस डेट को आपको अप्रूवल मिल जाता है। फिर पैराग्राफ नंबर चार बोलता है पेटेंट इज इनवैलिड और नॉन इन्फ्रिंजेंट बाय द जेनरिक एप्लीकेंट। जेनरिक एप्लीकेंट फाइल नोटिस टू द पेटेंट होल्डर, मीन्स पेटेंट अगर किसी का इनवैलिड है तो जो जेनरिक एप्लीकेंट है वो क्या कर सकता है, नोटिस फाइल कर सकता है किसके अगेंस्ट में, पेटेंट होल्डर के अगेंस्ट में, अगर किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी जो है पता चलती है तो। ठीक, अब होता क्या है, कैसे बेसिकली कैसे फाइलिंग होती है, एप्लीकेंट है इसने क्या किया, जिसको ड्रग बनानी है जेनरिक ड्रग, वो क्या करेगा, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करेगा। अगर एक्सेप्टेबल एंड कंप्लीट फॉर्म फिल किया तो फिर वो फाइल हो जाए, रिव्यू करेगा उसको OGD और CDER। अगर एप्लीकेशन सही नहीं है तो रिफ्यूज कर दिया जाएगा, ठीक, अगर सही है तो ये रिव्यू में आ जाएगा। रिव्यू में क्या क्या होगा, उसकी जो केमिकल है उसकी केमिस्ट्री, उसकी माइक्रोबियल डेटा रिव्यू किया जाएगा, बायो इक्विवेलेंस चेक किया जाएगा, रिक्वेस्ट की जाएगी फॉर प्लांट इंस्पेक्शन जिस इंडस्ट्री में बनाना है, लेबलिंग रिव्यू किया जाएगा,
है ना। इन सब चीज़ों में क्या बायो इक्विवेलेंस रिव्यू होगा, केमिकल रिव्यू होगा, माइक्रो रिव्यू होगा, लेबल रिव्यू होगा। अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है तो इंस्पेक्शन के लिए, मतलब अगर सारा डेटा सही हुआ तो प्लांट इंस्पेक्शन के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। मींस अब आपके पास एक ही है प्रॉब्लम कि प्लांट इंस्पेक्शन करा लो, अगर प्लांट ठीक है तो आपको ANDA अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर कहीं भी कोई दिक्कत हुई बीच में, जितने भी इंटरमीडिएट स्टेप हैं, जैसे प्लांट इंस्पेक्शन में कुछ चीज़ें अगर मिसिंग पाई गई, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, चाहे स्टोरेज कंडीशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट हो, चाहे जो स्टाफ रिक्वायर्ड है, चाहे क्लीनिंग जो रिक्वायर्ड है, एरिया जो रिक्वायर्ड, अगर किसी भी चीज़ में कोई कमी पाई गई तो आपका अप्रूवल रद्द किया जा सकता है। और सब कुछ ठीक तो फिर एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन मीन्स जेनरिक ड्रग का आपको अप्रूवल मिल जाता है, आप धड़ल्ले से अपनी दवा बनाओ और मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये ANDA का बेसिक कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ANDA पे शॉर्ट नोट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जब भी आए इसी तरह लिख देना, कुछ कहानी नहीं, सिंपल जेनरिक ड्रग के लिए किया जाता है। जब किसी का पेटेंट खत्म हो जाता है तो जेनरिक ड्रग बनाने के लिए इस फॉर्म को हमें फिल करना पड़ता है। ये एक तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको हम एब्रीविएटेड न्यू ड्रग, एब्रीविएशन मतलब सूक्ष्म, छोटा, है ना। क्यों बोलते हैं एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल स्टडी करनी नहीं है, तो बहुत कम समय लगता है इसके अप्रूवल के लिए। भाई नई ड्रग को अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए तो सालों लग जाता है, क्यों, क्योंकि आपके पास डेटा कलेक्ट होने में बहुत समय लगता है। लेकिन ANDA के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बाकी कोई समस्या हो तो AV केमिस्ट्री क्लासेस का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वहाँ पे इसकी PDF रिलेटेड MCQ वगैरह आपको मिल जाएंगे। ओके, कोई और समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक। चलो भाई, बाय।